सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रिज्जू गेमर। आज हम फिर से खेलने वाले हैं एंडलेस नाइटमेयर 3, यानी एंडलेस नाइटमेयर श्राइन जो भी है। तो मैंने इसका पिछला पार्ट खेला था, तो मैं यहाँ तक आ चुका था और अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर वो मून था उसे दबा दिया, मुझे यहाँ से आगे जाना है और देखते हैं अब क्या करना है। और अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है तो सॉरी, उसके लिए प्लीज़ थोड़ा उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैंने पंखा चलाया हुआ है, तो उसे आप थोड़ा इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज़ को। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और अब आई थिंक मैं किसी नई लोकेशन पर जाने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं किसी कुएं में कूद चुका हूँ और यहाँ पर ये लड़की दिख गई है मुझे। ओके, ये हर जगह पहुंच जाती है। वैसे सही है, अगर हमें कुछ ख़रीदना हो तो इससे मैं ख़रीद सकता हूँ। ये सामने एक जॉम्बी है, मतलब यहाँ पर जो ये मम्मी टाइप जॉम्बी टाइप जो भी हैं, तो मैं यहाँ पर आराम से एकदम स्नीक करके जाऊँगा, इसे आराम से फेल दूँगा। ओके, इसको ऐसा लात मारो, ख़त्म। चलो, इसको तो मैंने मार दिया, कैश मिल चुका है हमें इससे 30। और यहाँ पर सामने आई थिंक मुझे कुछ लगाना है, स्टोन ग्रू लगाना है, लेकिन देखते हैं अभी कहाँ पर हमें वो मिलने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको पंच मार के तोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पर तो कोई है नहीं ना, अभी तक तो यहाँ पर मुझे कोई दिखा नहीं है। और यहाँ पर है एक, आराम से ब्रो। और अच्छे देख लिया, अबे मर जा। ओके, फाइनली मैंने इसे मार तो दिया, लेकिन मेरी सारी गोली ख़त्म हो गई भाई। 5 ही एमओ थी मेरे पास, वो भी मैंने इस पर यूज कर दी, इस नल्ले के ऊपर। तो ओके, यहाँ पर एक सामने एक और जॉम्बी है, अबे इसने भी मुझे देख लिया। अबे रुक जा, अबे नल्ले रुक, अबे कितने गोली उनमें मरेगा भाई। और मैंने एक फालतू में चला दी, मुझे पीछे अच्छा हुआ कुछ गोलियाँ मिल गई थी, नहीं तो ये तो आज मेरा बैंड बजा देता। लेकिन मैंने इसे मार दिया है, अभी और देखते हैं। यार इन्हें चुपचाप से मार देना अच्छा होता है, फिर ना इन्हें ईजी हो जाता है मारना, ऐसे तो ना काफ़ी लेट मरते हैं। और दो दो भाई साहब, ये दो दो सामने खड़े हैं, लेकिन इनके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। और यहाँ पर भी कोई खड़ा है। अबे भाई मैं क्या करूँ यार, मेरे पास इतनी एमो नहीं है, मैं इन्हें मार दूँ? ट्राई करता हूँ चुपचाप जाकर मारने का, क्या मार सकता हूँ क्या मैं इन्हें? ओके, तो मैं यहाँ पर आराम से आ चुका हूँ, एक को तो आई थिंक मैं मार सकता हूँ। अरे शिट, अबे नहीं यार, भाग। अबे इसने पकड़ लिया इस बार मुझे, अरे भागना पड़ेगा भाई साहब, सेट हो गया ये तो। अबे जल्दी भाग, अबे तेज भागना, क्या वहीं पर अटका हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ से तो निकल चुका हूँ। अबे पूछ लिया हूँ, हट जाओ। एक को तो मैं निपटा दे, चलो एक और रह गया, बस इसको भी अभी मार देते हैं। मर जा, अरे मर भाई, क्या कर रहे हैं। और फाइनली मैंने इसे मार दिया, मेरी सारी एमो फिर से ख़त्म हो चुकी है। अबे यार कितने खतरनाक होते हैं यार, इसने मुझे अचानक से देख लिया यार, ये दिक्कत हो गई। इसने मुझे अभी दिया भी कुछ भी नहीं है। चलो आगे अभी चलकर देखते हैं कि और क्या हमें मिलने वाला है। ओके गाइस, ये यहाँ पर किसी चीज़ की रखवाली तो कर रहे थे, ये क्या चीज़ है भाई, पता नहीं ये क्राउन्स। अबे भाई इसकी रखवाली कर रहे थे, 200 हमें कैश मिला है इसके बदले में, तो यार इसकी रखवाली कर रहे थे। और यहाँ पर लाइटनिंग विद क्या है पता नहीं, ये कोई दरवाज़ा है आई थिंक, बाद में खुलेगा, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और हम देखते हैं कि कहाँ पर, यहाँ पर जाना, यहाँ पर भी एक जॉम्बी सा था ना भाई। मेरे पास एमओ नहीं है तो मैं इसे ऐसे तो नहीं मार सकता। ओके, ये पीछे लू खड़ा है अभी, इसको आराम से जा। तो भाई साहब ये तो घूम गया एकदम से, निकलना पड़ेगा इधर से, निकलना पड़ेगा भाई, निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे ऐसा ना मार भी नहीं सकता अभी। सो के गाइस, मैंने उसे अभी पीछा छुड़ा लिया है। और यहाँ पर सामने कुछ पड़ा है, ये क्या है भाई, स्क्वायर स्लिट। सो के गाइस, ये जो मुझे पीछे एक मिला था ना, वहाँ पर आई थिंक इसे लगाना है स्क्वायर शेप का, तो यही है, तो इसे वहाँ पर चलकर लगा देते हैं। ये क्या है भाई, इसको खुल सकता है? ये तो खुल नहीं रहा, चलो इसको वहाँ पर अभी ले जाकर लगाते हैं। सो के गाइस, मैंने उस डोर को भी खोल दिया और यहाँ पर एक आध से जॉम्बी थे, उन्हें भी मैंने मार दिया है। और यहाँ पर अब देख लेते हैं कि एक लेटर पड़ा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मिस्ट्री लेटर है। और यहाँ पर कुछ है, ये गेट ऑफ स्टार इज ओपन, चलो कोई गेट ऑफ स्टार ओपन हो चुका है, अब उसको ढूंढने चलते हैं, तो देखते हैं कि वो कहाँ पर है। सो ओके गाइस, मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ, ये मैं मैप देखते देखते ही आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जॉम्बी होंगे, एक तो मुझे सामने ही दिख चुका, एक नहीं दो दिख चुके हैं। और यहाँ पर बहुत सारी पता नहीं एमोज पड़ी हैं, चलो ओके 3 इससे मिल चुकी हैं। और भाई साहब साइड हटो, जल्दी यहाँ से हटो भाई, वो आ रहा है।
अगर उसने मुझे देख लिया ना तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो आराम से ना अभी चलकर इसे ना ख़त्म करते हैं जल्दी से, कोई और देख ना ले मुझे भाई, पीछे मत लगाना, यहाँ पर कोई भी नहीं है। अबे शिट यार, हमेशा यही होता है यार, मैं जैसे ही नज़दीक जाता हूँ एकदम से खड़े हो जाते हैं यार। मेरे पास सिर्फ 3 बुलेट्स हैं तो ये आ गया है, तो मुझे आई थिंक इसके ना हेड पे अगर मैं मारूँ, ओके फाइनली 3 में ही मैंने इसे मार दिया, हेड पे मारी इसलिए 3 में ही ख़त्म हो गया। और यहाँ पर अभी तो बहुत सारे, इन्हें भी एक एक करके निपटाना होगा। चलो गाइस अब मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ चुपचाप से, और ख़त्म कर दिया मैंने चलो। और यहाँ पर मैं ना अपनी गन को भी अभी अपग्रेड कर लेता हूँ, सस्ते में ही हो रही है। और यहाँ पर अब 2 ज़ॉम्बी है, मैं सोच रहा था कि अगर ये ना देखे तो जब ज़्यादा बढ़िया थी, लेकिन इन्होंने मुझे देख लिया और मैंने इन्हें ख़त्म नहीं किया। एक गोली भाई मर जाएगा एक में, ओके। तो लास्ट वाली में तो मैंने इनकी खोपड़ी ही उड़ा दी और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कैश मिल गया है। और अब देख लेते हैं ये किस चीज़ की चौकीदारी कर रहे थे। अबे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अबे क्यों खड़े थे यार तुम यहाँ पर, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। तो चलो गाइस इस रूम में चलकर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है। 3 मूर्ति किसकी खड़ी है, इधर से कोई रास्ता है, इधर से तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक आई थिंक कोई लेटर पड़ा है भाई, पता नहीं ये लेटर किस काम आते हैं। यहाँ पर ये तो नहीं खुलने वाला, ओके। तो यहाँ पर एक क्रैक दीवार है सामने, इसको मैं खोल सकता हूँ। और यहाँ पर 2 ज़ॉम्बी खड़े हैं भाई। भाई यार हट जाओ यहाँ से, अगर मेरे पास माइक होता ना तो मैं इनसे कह देता भाई जल्दी यहाँ से हटो। अबे कैमरामैन जल्दी इससे फोकस मार, हट गए क्या? ओबे भाई इन्होंने तो मेरी बात सुन ली, मैंने कहा और ये हट गए। आराम से चलते हैं आराम से भाई, ये दूसरा वाला ना देख ले, इसको पहले ख़त्म कर। जब भी नज़दीक जाता हूँ ऐसा ही करते हैं भाई, ऐसा ही करते हैं। अभी इन्हें आ जाने देता हूँ, आ गया, ओके इसको मार देता हूँ। 2 गोली इनमें मार दिया, और ये अबे कहाँ पर खड़ा होकर मार रहा है। चलो इसको भी मैंने निपटा दिया है भाई। यार मैं जैसे ही पीछे जाता हूँ ना एकदम से लग खाते हैं कि, और हार्ट अटैक देंगे भाई किसी दिन। और यहाँ पर कुछ मिल रहा है क्या, कुछ काम का सा यहाँ पर तो पड़ा है, ओके। तो मुझे यहाँ पर एक लीवर मिल चुका है, और ये लीवर तो बाहर जो मूर्ति रखी है ना उसमें लगने वाला है, तो वहाँ ही पर चलते हैं इस लीवर को लगाते हैं। आई थिंक अब इससे ही कुछ होने वाला है। ये क्या है, यहाँ पर एक टूथब्रश है, इसका क्या काम है भाई, और इसको मैं आई थिंक उठा भी नहीं सकता। सो ओके गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब इस लीवर को यहाँ पर लगा देते हैं और इसे अभी ओपन कर देते हैं। और यहाँ से कुछ खुला है क्या, ये मूर्ति तो घूमी है लेकिन खुला है क्या भाई, कुछ खुला तो आई थिंक इससे कुछ भी नहीं है भाई, ये काम का क्या आया फिर इस लीवर का। सो ओके गाइस उससे ना ये दरवाज़ा खुल चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसा मूवी वाला एकदम सीन लग रहा है, जैसे वो इजिप्ट की वो मूवी होती है ना कुछ उसी टाइप का। और ये सामने एक क्रैक दीवार है, इसे आई थिंक मैं फोड़ सकता हूँ एक मुक्के में, ओके। तो मैं यहाँ पर एक नई लोकेशन पे भी आ चुका हूँ, तो अभी इसे सबसे पहले फोड़ देते हैं। और यहाँ पर ये क्या निकल रहा है भाई, मुझे थोड़ा बच के यहाँ से जाना पड़ेगा, एकदम से निकल रहे हैं और ये निकल गए। मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, रुक जाता हूँ, ये आगे ये निकल लेता हूँ भाई, आराम से करेंगे कोई जल्दबाजी नहीं भाई। ओके तो यहाँ से मैं निकल चुका हूँ, एक बार और ऊपर आ, जल्दी आ भाई। और यहाँ से ये ऊपर आ चुकी है, मैं यहाँ से अभी निकल चुका हूँ। और इस सामने ए वही मैडम जी खड़ी है, तो इससे मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं कि इससे कुछ मिलता है क्या, मतलब ये कुछ सस्ता तो बेचती नहीं, इतना महंगा बेचती है, इतना हमारे पास है भी नहीं, ये 200 और 300 800 ये एमरल्ड में बेचती है, इतना हमारे पास है नहीं। और यहाँ पर मैं कुछ एमओ यहाँ पर कुछ भी इससे अभी तो परचेज नहीं कर पाऊँगा, इतनी हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। और यहाँ पर ये सामने 2 ज़ॉम्बी मुझे पहले ही दिख चुके थे, और इसे आराम से जाकर मैं अबे भाई इतना जल्दी दिख जाता, एक की तो मैंने चलो टांग तोड़ दिया, इसको मार देता हूँ। अबे मर गया भाई, ओके इसको मार दिया मैंने, लेकिन ये टूटी टांग से ही आ रहा है भाई, कितना ख़तरनाक हो, टूटी टांग से ही भागे आ रहे भाई। चलो इसे भी मैंने मार दिया, और मेरे पास सिर्फ अभी 1 एमओ बची है, कोई बात नहीं आगे और मिलती रहती है एमओ। तो यहाँ से अभी फटाक से चलते हैं, ये सामने क्या रखा हुआ है भाई, इसको आई थिंक चेक करना पड़ेगा। द गेट ऑफ गेट इज़ ओपन, चलो कौन सा तो गेट हम यहाँ पर ओपन हो चुका है। और यहाँ पर भाई साहब
क्या ही खतरनाक सीन है वो भाई। अभी मैं नीचे गिर गया था। नीचे है क्या वैसे? पता नहीं, आई थिंक कुछ तो खतरनाक हो गई। अगर मैं गिरा तो मैं बचने वाला है नहीं। सो यहाँ से मुझे आराम से एक एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। ये इधर जाएगा तो मैं ऐसे जल्दी से भाग कर निकल जाऊँगा, और मुझे नीचे का भी थोड़ा ध्यान रखना है। इधर गया तो मैं तेज़ी से भाग कर चला जाऊँगा। और यहाँ पर अभी ये साइड में भी कुछ पड़ा है। यहाँ पर एक पेटी पड़ी है, इसमें तो कुछ एमरल्ड ही होने वाले हैं मुझे पता, मतलब जेम एमरल्ड वही होता है सेम। और यहाँ पर अभी इसको मैं कैसे लूँ? इधर से तो आई थिंक मैं जा नहीं सकता। क्या करूँ, आगे चल कर देखता हूँ। और भाई साहब बच गया। चलो मैंने सोचा यार कहाँ से गिर गया। आई थिंक वो भाई कितने लंबे लंबे कांटे हैं, अगर मैं इन पे गिरता ना तो इतने छेद हो जाते कि कन्फ्यूज हो जाता मैं भी। तो यहाँ पर अभी एक और मूर्ति आ गई है, और यहाँ पर बहुत सारी। एक यहाँ पर मुझे लीवर लगाना है। ओके तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी आगे चलकर कि कहाँ कहाँ पर मुझे वो मिलने वाले हैं। ये गेट ओपन होगा क्या? ये तो आई थिंक अभी ओपन नहीं होगा। ओके तो यहाँ पर एक सामने मुझे ज़ॉम्बी दिख चुका है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि आराम से चलकर मार दूँ। ओके यहाँ पर क्राउच हो जाता हूँ। ये क्या पर यहाँ पर कुछ एमो है। चलो और इसने भी मुझे देख लिया। भाई किसने मुझे मारा? इसकी शील्ड तो मैंने तोड़ दिया भाई, मर जा। ओ एक और, चलो ओके इसे मैंने मार दिया है। किसी ने मेरे मारा था। ओ भाई बैठाना, एक इसकी खोपड़ी खाली कर दूंगा यार। मेरी एक गोली वेस्ट और हो गई। चलो यहाँ से मुझे कुछ कैश मिल चुका है, तो और चल कर देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ मिलेगा हमें काम का। मिल जा भाई। और ये सामने एक और है, इसने मुझे देख लिया यार। हर कोई आकर देख लेता है मुझे, मेरे पास एमओ भी नहीं है। चलो गाइस कोई बात नहीं, उसको तो मैंने अभी ठिकाने लगा दिया है। और यहाँ पर एक और है, आराम से क्राउच करके चलेंगे। ये ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं। ओके इसको भी मैंने मार दिया है, और मुझे यहाँ से कुछ कैश भी मिल चुका है। और अब देखते हैं आगे। और अबे यार हर जगह कोई ना कोई खड़ा है। सो के गाइस यहाँ पर एक और था, इसको भी चुपचाप जाकर मार देता हूँ। ये भाई एक मुक्के में ढेर हो जाते हैं, इतना खतरनाक मुक्का है हमारा। और यहाँ पर चलो एक लीवर तो हमें मिल चुका है। अब इधर से निकलते हैं फटाक से, उस मूर्ति में जाकर इसे लगा देते हैं। सो के यहाँ पर इसे मुझे लगाना है, और ये लग चुका है। इसको अभी डाउन कर देते हैं। अभी एक और लीवर चाहिए और फिर ये गेट आई थिंक ओपन हो जाएगा। सो के गाइस मैं अभी इधर पे आया हूँ। यहाँ से ये बंद तो है, लेकिन मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और सामने से एक ज़ॉम्बी सा आ रहा है, तो इसको भी मुझे मारना पड़ेगा। तो इसे देख लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है क्या? वो सामने खड़ा है, इसको मैं यहीं से मार देता हूँ। लेकिन वो सामने जा रहा है, चलो। और यहाँ पर भी एक खड़ा है, इसको पीछे से चलकर आराम से मार देते हैं। और चलो इसको तो मैंने मार दिया है आराम से, अब उसको भी इसी तरीके से मारता हूँ। और हमेशा की तरह इसने भी मुझे देख लिया है। और मैं अभी मुक्के क्यों चला रहा था मुझे खुद को मालूम नहीं है। चलो मैंने इसे दो गोलियों में निपटा दिया है। और यहाँ पर एक और बॉक्स पड़ा है, इसमें तो ये जेम्स ही मिलेंगे भाई। दो दो मिल रहे हैं, और गन है 200 में, 7 जन्म हो जाएंगे इकट्ठा करते करते। और गाइस यहाँ पर एक और ज़ॉम्बी है, तो मैं इसे भी आराम से लेकर मार देता हूँ। और ये सामने एक और लीवर मिल चुका है। चलो मुझे फाइनली दूसरा लीवर भी मिल चुका है, इसको उठा देते हैं। और यहाँ पर एक लीवर है, ये किसका है? ओके तो आई थिंक मैं तो बाहर ही आ गया क्या? चलो ये वो मेन दरवाज़ा जो लॉक था वो खुल चुका है। और यहाँ पर कुछ है, ये तो वही लेडीज़ खड़ी है जो हमेशा खड़ी रहती है। अभी यहाँ से मैं निकलूँ कहाँ पर? ओके तो मैं फाइनली उस चैम्बर में पहुँच चुका हूँ जहाँ पर मुझे ये दूसरा लीवर भी लगाना है। तो इसे यहाँ पर लगा कर इसे डाउन कर देता हूँ। अब आई थिंक कोई सा तो गेट खुलने वाला है भाई। कौन सा खुलेगा? ये वाला खुलेगा या फिर वो वाला? कोई तो खुल भाई, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पर कोई सा तो गेट खुला है। ओके तो ये सामने वाला गेट खुल चुका है। अब इसमें चल कर देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होगा यहाँ पर तो आई थिंक बहुत खतरनाक सा दिखने वाला है। और ये गाइस हमारी अब होने वाली है बॉस फाइट। और ये इसने क्या लगा लिया अपने पीछे भाई? पापा का परा है क्या होने वाला है? शिट ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सा लग रहा है मुझे। इसको भाई गोलियां ख़त्म। शिट यहाँ से उठा लेता हूँ कुछ गोलियां। और यहाँ अबे भाई ये क्या था?
ओके गाइज, मैं एक दो बार और मर चुका हूँ क्योंकि ये भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और मैं यहाँ बहुत सारी एमओ भी ले आया हूँ इसे मारने के लिए। रिलोड कर लेता हूँ, ये गोले से फेंकेगा तो मैं इससे ना ऐसा दूर भाग कर रहूँगा। मुझे ना इन गोलों के नज़दीक में ऐसा ना अभी आना नहीं है। अरे भाई रिलोड हो जल्दी। ओके तो आई थिंक ये हट चुके होंगे। अरे भाई जल्दी भाग, क्या कर रहा है एक जगह पर। मुझे ना गाइस रुकना नहीं है, अगर मैं रुक गया तो ये मुझे मार डालेगा। इधर से ही आ रहा है तो मुझे ना यहाँ पर रुकना नहीं है। जब मैं ये गोला से फेंकता है तो मुझे तब मारना है इसे। यहाँ पर कुछ एमओ पड़ी है तो ये सामने से आ रहा है, इसको भी कुछ डैमेज मैंने दे दिया है। चलो ऐसे ही ना भागते भागते इसे मुझे मारना पड़ेगा, अदरवाइज मैं इसे एक जगह रुक कर तो नहीं मार सकता। इसे रिलोड कर देते हैं गन को। ओके इसने फिर से गोले फेंकते हैं तो यहाँ पर इसको मार देते हैं कुछ गोली। चलो ओके इसको और मैंने मार दिए। ये फिर से आई थिंक फेंकने वाला है। इस बार इसने खतरनाक वाले फेंके, मुझे इनसे बचना होगा। अगर एक भी लगा ना तो मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने फेंक दिया इस सामने। ओके तो ये हट चुका है फिर से, तो गोली मारी और भाग गया। भाई ऐसे ही बच सकता हूँ मैं इससे, क्योंकि एक जगह पर रुक कर इसे मारी मारी जाऊँगा ना, ये इतनी जल्दी तो मरने वाला है नहीं, ये मुझे ही मार देगा इजीली। तो ऐसे ही ना चलते चलते भाग तो मैं पा भी नहीं रहा हूँ यार, इतना स्लो क्यों है यार ये बंदा, तेज तेज भागना। ओके तो इसने फिर से गोले छोड़ दिए तो मैं इसके पिछवाड़े में कुछ गोलियाँ मार देता हूँ। और डेमेज दिया ऐसे ही ना कर करके इसे मुझे मारना, क्योंकि हम पहले ही मुझे कई बार मार दिया है काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक सा है। तो यहाँ पर मैंने आई थिंक इसे थोड़ा अभी पीछे छोड़ दिया है, ये मेरे पीछे ही भग रहा है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ यार ये आई थिंक मेरे पीछे। चलो कोई बात नहीं, अभी ऐसे चलते हैं। और फिर से ये गोले फेंका है, गोले फेंका था शुअर, ये तो सच में शुअर है। ओके तो मैंने इसे अभी थोड़ा और डेमेज दे दिया है। अरे भाई आगे चल, वो गोला अभी एक आधा मार लगने वाला है। तो यहाँ पर सामने ये फेंक रहा है भाई, क्या फेंकेगा तू। और फाइनली गाइस मैंने इसे मार दिया भाई। चलो यार काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई इसे मारने में। और इस अबे भाई तू कौन है भाई, मैं भी मर गया। अबे यार ये कैसी एंडिंग है इन गेम्स की, मतलब एंडलेस नाइट में 2 में भी ऐसा ही हुआ था कि लास्ट में मैं मर गया था। चलो कोई बात नहीं गाइज, इसी के साथ हमारा गेम तो खत्म हो गया। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।